दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अजय देवगन जी की एक धमाकेदार एक्शन मूवी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है सिंघम। दोस्तों, सिंघम साल 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो लेखक यूनिस सजावल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। ये सेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहली किस्त के रूप में कार्य करती है। हरी द्वारा इसी शीर्षक की 2010 की तमिल फिल्म की रीमेक है। फिल्म में अजय देवगन बाजीराव सिंघम नाम के एक पुलिस अधिकारी की मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज हैं, जो मूल में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंघम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहाँ वह शुरू में उससे नफरत करती है, क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को, जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती, एक पखवारे के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंघम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंघम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंघम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंघम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंघम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है, उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंघम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंघम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंघम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है, जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं
और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मियों और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे डीजीपी विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जीव बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजी राव सिंगम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंगम के रूप में मेघना वैद्य, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लस्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देशपांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर, और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी।
तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंघम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंघम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंघम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंघम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंघम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुंचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंघम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंघम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंघम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंघम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंघम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंघम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है, जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव
फंडनिस यानी कि विनय शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जीव बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पेशे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज, गुंडे के रूप में बेसंट रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरि बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में,
जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में, हरीश शेट्टी काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमीदास चंद्रकांत रूप के रविंद्र बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं, उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है, एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है।
जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फडणीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराब जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणीस अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजी राव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराप, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फडणीस के रूप में विनीत शर्मा,
काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लस्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरिबला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देशपांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है।
राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है, उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फडणीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है, उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं, जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजीराव सिंगम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंगम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ,
डीएसपी सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ, सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में, संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंद्र बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं, उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है, एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवानायक अशोक समर्थ की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया।
सिंगम अपने सहायक रमेश केलकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है। जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फडणीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजीराव सिंगम के रूप में अजय देवगन,
काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की माँ लता सिंगम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, डीएसपी सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ, सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लस्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माय फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी वह अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समर्थ की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है।
जिससे सिंघम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंघम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुंचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंघम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंघम अपने सहायक रमेश केलकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है। जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है, सिंघम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है, उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंघम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंघम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंघम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है, उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पेशे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं।
और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की माँ लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभू सावलकर के रूप में अशोक सराफ, डीएसपी सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज, गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरि बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंघम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंघम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंघम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है।
ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को, जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवानायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंघम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंघम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंघम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंघम अपने सहायक रमेश केलकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंघम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है, उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंघम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंघम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंघम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराब जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है, उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं, जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों, विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस, अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे।
और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजी राव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, डीएसपी सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के डीजीपी विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देशपांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंद्र बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों, इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंघम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंघम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माय फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंघम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है।
जहाँ वह शुरू में उससे नफरत करती है, क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को, जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवानायक अशोक समर्थ की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ
अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पेशे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणवीस, अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, डीएसपी सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज, गुंडे के रूप में बेसंट रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के डीजीपी विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर, और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों, इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंघम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंघम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है।
जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंघम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को, जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंघम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंघम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुंचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंघम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंघम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंघम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गाँव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंघम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंघम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंघम गोवा के कोरवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है।
काव्या के जन्मदिन पर जयकांत ध्रुवती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों, विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजी राव सिंगम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंगम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, डीएसपी सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लस्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के डीजीपी विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देशपांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर, और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों, इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माय फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है।
जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मी और मेघा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया
जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जीव बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पेशे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणवीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजीराव सिंगम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंगम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभू सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज, गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरि बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर, और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराब जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मी और मेघा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है।
जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगल लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जीव बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों, विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजी राव सिंगम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंगम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में जयकांत, सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देशपांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेडे, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर, और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों, इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं।
अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और तीन गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माय फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी, एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को, जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है, उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंगम सहकर्मी और मेघा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है, उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग
जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है, जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था, और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जीव बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों, विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणवीस, अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया, जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे, और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज, गुंडे के रूप में बेसंट रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर, और जयकांत के वकील के रूप में नीरज खेत्रपाल जी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों, इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंघम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ, और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन
से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी व अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे से 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंगम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंगम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं।
सिंगम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे डीजीपी विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंगम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंगम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंगम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगल लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंगम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंगम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंगम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंगम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पैसे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंगम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फंडनीस अब्बास और सावलकर ने सिंगम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंगम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंगम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंगम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजी राव सिंगम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंगम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंगम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लस्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देशपांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंदर बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे,
तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंघम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंघम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माय फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी वह अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंघम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंघम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंघम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंघम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंघम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंघम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंघम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंघम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंघम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है, जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंघम को अपना असली रंग दिखाता है और उसे बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फंडनीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कांस्टेबल प्रभु सावलकर
यानी केशव सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जीव बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पेशे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणवीस अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभू सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज, गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फंडिस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर, नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लास्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरि बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत
जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में, जमीदास चंद्रकांत रूप के रविंद्र बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इंस्पेक्टर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो अपहरण जैसे विभिन्न रैकेट चलाने वाले गोवा के एक क्राइम बॉस व्यवसायी और राजनेता जयकांत सिकरे यानी कि प्रकाश राज द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेता है। जबरन वसूली और तस्करी कदम की पत्नी मेघा यानी कि सोनाली कुलकर्णी जी जयकांत के सामने उसे बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि भगवान इस कृत्य के लिए उसे न्याय देंगे। कहानी गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास एक छोटे से गांव शिवगढ़ तक जाती है। कदम जैसा ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंगम यानी कि अजय देवगन जी शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। अपने शहर के प्रभारी एक स्टेशन हाउस अधिकारी वह अपने शहर की अधिकांश समस्याओं को अनौपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किए बिना हल करता है, जिससे ग्रामीणों से बहुत प्रतिष्ठा और प्यार प्राप्त होता है। गौतम गोटिया भोसले यानी कि सचिन खेड़ेकर एक उद्योगपति हैं और बाजीराव के पिता मणिकराव मानिया सिंगम यानी कि गोविंद नामदेव जी के बचपन के दोस्त हैं। वह अपनी पत्नी और बेटियों काव्या यानी कि काजल अग्रवाल और अंजलि सना यानी कि अमीन शेख के साथ शिवगढ़ आता है। आखिरकार सिंगम और काव्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनका प्रेमालाप हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहां वह शुरू में उससे नफरत करती है क्योंकि वह जब भूत के रूप में छिपे हुए ग्रामीणों को डराते हुए पकड़ी जाती है तो वह उसे कसकर थप्पड़ मारती है। लेकिन तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वह उसके ईमानदार और सरल स्वभाव को देखती है और पाती है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जब तक कि जयकांत को जिसे उसने की गई हत्या के लिए सशर्त जमानत नहीं मिल जाती। एक पखवाड़े के भीतर जमानत पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवगढ़ की यात्रा करनी पड़ती है। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट शिवा नायक अशोक समत की सिफारिश पर कार्य करते हुए वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक सहयोगी विट्ठल दलवी और अपने लोगों को भेजता है, जिससे सिंगम बहुत क्रोधित होता है और जयकांत से बेल पर इन हस्ताक्षर करने की मांग करता है। अगले 4 घंटों के भीतर क्रोधित जयकांत सिंगम का सामना करने के लिए शिवगढ़ पहुँचता है, लेकिन ग्रामीणों ने सिंगम के खिलाफ उसकी टिप्पणी सुनकर उसे ख़त्म करने की धमकी दी और सार्वजनिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में उसके काफिले के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिंगम अपने सहायक रमेश केलेकर से जयकांत के रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लाने के लिए कहता है। रजिस्टर पर जयकांत के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने के लिए कहता है और उसे 14 दिनों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करना जारी रखने की चेतावनी देता है, जबकि अपमानित जयकांत भयभीत दिखता है। सिंगम का साहस और विरोध के संकेत के रूप में पहियों से यात्रा करने से इनकार करते हुए पैदल ही गांव छोड़ देता है। राजमार्ग पर जैसे ही वह एक बिंदु पर रुकता है उसे अपना अपमान याद आता है। एक स्रोत के माध्यम से शिव के सिंगम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है और अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके बदला लेने के लिए सिंगम को गोवा में स्थानांतरित कर देता है। अपने तबादले के पीछे जयकांत के हाथ से अनजान सिंगम गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में प्रभारी के रूप में शामिल होता है। जब पहले ही दिन उसका सामना जयकांत से होता है, जो सिंगम को अपना असली रंग दिखाता है,
और उसे ये बताकर डराने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पहले वाले अधिकारी ने सिंघम की चेतावनी देते हुए आत्महत्या कर ली, कि वह उसे हमेशा के लिए परेशान करना चाहता है। आखिरकार अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों उप निरीक्षक देव फडणीस यानी कि विनीत शर्मा, उप निरीक्षक अब्बास मलिक यानी कि अंकुर नायर और हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर यानी कि अशोक सराफ जी के साथ चर्चा में उन्हें पता चलता है कि तीनों अधिकारी कितने मजबूत हैं। वे जयकांत से उसके अपराधों के लिए नफरत करते हैं, लेकिन जयकांत की राजनीतिक शक्तियों के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। सिंघम के सीनियर DSP सत्यम पाटकर यानी कि मुरली शर्मा जी जयकांत के पेरोल पर हैं और जयकांत के अपराध के सबूतों को छुपाने और कानून की नज़रों को मिटाने का काम करते हैं। सिंघम सहकर्मी और मेगा से कदम की त्रासदी के बारे में जानने और जो कुछ उसने पहले ही देखा है उसे संकेत लेते हुए इसे DGP विक्रम पावर यानी कि प्रदीप बेलंकर के संज्ञान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसा होता है जयकांत और पाटकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। स्थानीय मंत्री अनंत नार्वेकर यानी कि अनंत जोग जल्द ही सिंघम की मुसीबतें बढ़ा देते हैं जब वह जयकांत के खिलाफ उनका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। बाद में सिंघम को अपनी स्थानीय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के रूप में लॉन्च करते हैं। जयकांत द्वारा सीमित रूप से पराजित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए चिंतित सिंघम पहले घर लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन काव्या उसे रोक देती है जो उसे बुराई के खिलाफ लड़ने और कायरों की तरह भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय जयकांत के कुछ गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं और उसे शिवगढ़ लौटने की नरकता का एहसास होता है। वह गुंडों को बेरहमी से पीटता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके बाद सिंघम ने शिव को अवैध रूप से शराब की तस्करी के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने उन गुंडों के खिलाफ FIR को फाड़ने की तैयारी की जिन्हें वह मुक्त कराने आया था और अधिकारियों को याद दिलाया कि शिव ने जयकांत के आदेश के तहत कदम के घर में नकदी के बंडल रखे थे। जी बाद में जब पाटकर जयकांत के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा शिवा को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह जनता के सामने पाटकर को विफल कर देता है। काव्या के जन्मदिन पर जयकांत फिरौती के लिए काव्या की छोटी बहन अंजलि का अपहरण कर लेता है। उसे बचाते हुए सिंघम सफलतापूर्वक जयकांत के अपहरण रैकेट की उत्पत्ति का पता लगाता है। गुस्से में अपनी टीम के साथ नार्वेकर का सामना करता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है और गोवा सरकार का मंत्री बनने के लिए तैयार है। जयकांत की पार्टी चुनाव जीतती है। वह सिंघम को 24 घंटे के भीतर शिवगढ़ वापस जाने के लिए स्थानांतरण आदेश सौंपता है। उस रात अपने परिवारों के साथ अधिकारियों के लिए आयोजित एक पुलिस समारोह में सिंघम के अधिकारियों विशेष रूप से पवार और पाटकर को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने और जयकांत की रक्षा करके अपने पेशे के प्रति बेईमान और बेवफा होने का सामना किया। सबसे पहले पाटकर ने सिंघम को डांटा, लेकिन अपराध बोध से भरकर फडणीस अब्बास और सावलकर ने सिंघम को जयकांत से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसके साथ पूरा गोवा पुलिस बल शामिल हो गया जिसे पवार भी समर्थन दे रहे थे और उन सभी ने जयकांत को मारने के लिए उसके घर पर हमला किया, जिसमें पाटकर ने खुद को सिंघम के समर्थन में होने का खुलासा किया। जयकांत अंततः भाग जाता है, लेकिन शहर से भागने के बाद उसे अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कदम की कुर्सी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और झड़प के कुछ क्षण बाद शिव को अपना बयान बदलने की धमकी देते हैं। एक मीडिया सम्मेलन में जयकांत और नार्वेकर को दोषी साबित करते हुए पवार और सिंघम ने दिवंगत कदम को सभी भ्रष्टाचार आरोपों से मुक्त कर दिया। फिल्म सिंघम और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मेगा को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन, काव्या भोसले के रूप में काजल अग्रवाल, जयकांत सिकरे के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर कदम के रूप में सुधांशु पांडे, मेगा कदम के रूप में सोनाली कुलकर्णी, गौतम गोटिया भोसले के रूप में सचिन खेड़ेकर, बाजीराव के पिता मणिकराब मानिया सिंघम के रूप में गोविंद नामदेव, बाजीराव की मां लता सिंघम के रूप में मेघना वैद, हेड कॉन्स्टेबल प्रभु सावलकर के रूप में अशोक सराफ, DSP सत्यम पाटकर के रूप में मुरली शर्मा, शिवनायक के रूप में अशोक समर्थ, जयकांत के दाहिने हाथ सब इंस्पेक्टर अब्बास मलिक के रूप में अंकुर नैयर, हवलदार रमेश केलकर के रूप में विजय पाटकर, काव्या की बहन अंजलि भोसले के रूप में सना अमीन शेख, अनंत जोग मंत्री के रूप में अनंत नावेकर के रूप में संगम टाकेज गुंडे के रूप में बेसंत रवि, सब इंस्पेक्टर देव फडणीस के रूप में विनीत शर्मा, काव्या की माँ सविता भोसले के रूप में सुचित्रा बांदेकर,
नार्वेकर के चपरासी के रूप में किशोर लस्कर, जयकांत के गुर्गे के रूप में नौशाद अब्बास, शिवगढ़ के एक ग्रामीण नंदू सिंह के रूप में हरी बला, शिवगढ़ के एक ग्रामीण सदा के रूप में विकास कदम, प्रदीप बेलंकर गोवा पुलिस के DGP विक्रम पवार के रूप में, जयकांत सहयोगी विट्ठल दलवी के रूप में हरीश शेट्टी, काव्या के दादा कमलकांत भोसले के रूप में जयकांत जयंत सावरकर, सुहासिनी देश पांडे काव्या की दादी सुहासिनी भोसले के रूप में जमींदार चंद्रकांत रूप के रविंद्र बेड़े, राकेश कदम के बेटे नितिन के रूप में अगस्त धानोरकर और जयकांत के वकील के रूप में नीरज क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो इस फिल्म का संगीत अजय अतुल जी ने तैयार किया था, गीत स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे थे। तो दोस्तों इस एल्बम का संगीत समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुडेजा ने एल्बम को 5 में से 2 सितारों में से सम्मानित किया और कहा सिंगम एक अच्छा एल्बम बन गया है। हालांकि किसी को लगता है कि यहां सिर्फ 3 गानों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था, जबकि सातिया उनकी पसंद है और बहुत कुछ और फिल्म के नाटकीय प्रदर्शन से परे भी चलने की क्षमता है। शीर्षक गीत सिंगम अपनी सेटिंग के बावजूद सही मूड लाता है, हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि फिल्म काफ़ी संगीतमय नहीं है और मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा अपने एक्शन फ्लेवर के आगे बढ़ाने पर, एल्बम को व्यावसायिक रूप से अधिक छाप छोड़ने में कठिनाई होगी। प्लेनेट बॉलीवुड के तनुज मनचंदा ने एल्बम को ये कहते हुए 5.5 स्टार दिए हैं। अजय अतुल एक संतोषजनक साउंडट्रैक का निर्माण करते हैं। उनके बाद विरुद्ध में पहला प्रयास और 3 गानों की छोटी सी अवधि में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हम अपने आगामी उद्यम माई फ्रेंड प्रिंटो का इंतजार कर रहे हैं, जो संगीतकार के रूप में उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी। कुल मिलाकर गाने अच्छे हैं और उनमें बनने की क्षमता है। एक सफलता इससे फिल्म की कहानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार मूवी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें।